हेलो गाइस, आप लोग ये जो मेरे सामने व्यू देख रहे हैं ये है कुल्लू का। इस वीडियो में हम आपको हमारे कुल्लू से मणिकर्णा तक के रोड ट्रिप और वहां पहुंचने के बाद मणिकर्णा साहिब और वहां बने मंदिरों के दर्शन कराएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे जाते वक्त जो रास्ते में हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हम पहुँच चुके हैं मणिकर्णा वाले हाईवे पे। यहाँ से आगे आपको रोड बहुत पतली और संकरी देखने को मिलेगी। वहाँ पीछे जब हमने कुल्लू से शुरुआत की थी तो आपने देखा होगा काफ़ी चौड़ी सड़कें थी। किसी ने सच ही कहा है कि पहाड़ों में सफ़र करते वक्त इंसान बोर नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक तरफ आपके मंजिल तक पहुँचने की उत्सुकता और दूसरी तरफ ये साथ साथ चलते खूबसूरत नज़ारे जो आपके सफ़र के रोमांच को बनाए रखते हैं। इस ट्रक वाले ने हमें बहुत दुखी किया था यार। पहाड़ों के ट्रक वालों को ये लगता है ना कि सड़क उनकी ही है, उनके लिए ही बनी है। बस जैसे ही थोड़ा रास्ता खाली मिलता है वहाँ बीच में ले लेते हैं गाड़ी और साइड देते नहीं है वो। तो जैसे तैसे हम इससे आगे निकल गए। इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते हुए हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तभी अचानक हमारे साथ ये दुर्घटना घटती है। यहाँ पर जो रोड था एक तो वो काफ़ी स्लिपरी था और ऊपर से मोड़ भी बहुत ज़्यादा शार्प था, तो इस वजह से स्कूटी स्लाइड कर गई और हम गिर गए थे। ये कल भी गिरे यहाँ पे बाइक वाली। हाँ, ये कल भी गिरे यहाँ पे बाइक, या एकदम से ब्रेक लगाते हैं यहाँ पे, स्किन तो होता रहता है इधर। हालांकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, दोनों ही सेफ थे और थोड़ी देर बाद यहाँ रेस्ट करके हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। गाइस, यहाँ से मणिकर्णा पहुँचने तक का वीडियो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि एक तो ठंड बहुत थी और ऊपर से हमारे हाथ में थोड़े से स्क्रैच लग गए थे, तो काफ़ी मुश्किल था। गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मणिकर्णा साहिब। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए आपको मणिकर्णा साहिब और यहाँ बने मंदिरों के दर्शन कराते हैं।